अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करनी है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन होती है एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन होती है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन में हमने रिडक्शन तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की ही करवानी है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से, इसमें हमारे पास स्पेसिफिक जो है कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है एल्डिहाइड्स होती हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कीटोन्स होती हैं। सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ही रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर जो है क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज़ कर सकते हैं एंड वुल्फ किशनर की जो है वुल्फ किशनर रिडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए बिल्कुल भी जो है क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए ही क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज़ कर सकते हैं। वुल्फ किशनर के लिए भी हमारे पास सेम यही क्राइटेरिया। वुल्फ किशनर में भी हमने जो है रिडक्शन करवानी होती है कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, और जिसमें हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मौजूद होते हैं जिनकी हमने रिडक्शन करवानी होती है। रिडक्शन के रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर जो है अल्केन्स की जो है फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने स्टडी करनी है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने यहाँ पर जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन करवानी है, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ होता है उसमें हमारे पास यहाँ पर क्या है, जिंक अमलगम होता है, जिंक अमलगम, ठीक है ना। और प्लस हमारे पास यहाँ पर मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम। कैटलिस्ट किस तरह से लिखते हैं, ZN HG होता है, और यहाँ पर हमारे पास होता है HCl मौजूद होता है, प्लस यहाँ पर क्या होगा, HCl मौजूद होगा। HCl क्या शो कर रहा है कि हमारे पास मीडियम क्या है, एसिडिक है। जनरल हम यहाँ पर इसका रिएक्शन लिखते हैं, ये हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हमारे पास एल्डिहाइड भी हो सकती है और कीटोन भी हो सकती है, ठीक है, एल्डिहाइड भी हो सकती है और यहाँ पर कोई भी कीटोन भी हो सकती है, ठीक है। हमने इसकी रिडक्शन करवाई ZN HG और यहाँ पर क्या है HCl, और तो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और दो हाइड्रोजन्स आके लग जाएंगे, और प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पर अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ये हमारे पास यहाँ पर इसका प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने इसके मैकेनिज्म को स्टडी करना है डिटेल के साथ कि किस तरह से हम ये रिडक्शन करवा सकते हैं। जनरल रिएक्शन इसका नोट कर लें और देन उसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म में हमारे पास यहाँ पर जो है कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद है, मे बी एल्डिहाइड हो सकती है और कीटोन हो सकती है। अब ये जो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, इसमें हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर जिंक मौजूद है ZN प्लस टू की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। ZN प्लस टू मीन्स कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पर कार्बन के पास अटैच हो जाएंगे। अब ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास आ गया चार्ज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास HCl मौजूद है, ठीक है ना, टू HCl है, तो यहाँ पर टू एच पॉजिटिव होंगे यहाँ पर मौजूद, ठीक है ना। दो HCl हमने लिए हैं, तो दोनों ने क्या क्या दिया, एक एक एच पॉजिटिव एक HCl ने देना, दूसरा दूसरे ने देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक H चला जाएगा यहाँ पर और दूसरा H चला जाएगा इस कार्बन के पास, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सी ये OH बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास एक H आ गया और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर अपने लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर के यहाँ पर जो है HCl मौजूद है, ठीक है ना। HCl ने क्या करना है, यहाँ पर एक और HCl आएगा, तो HCl में से इस ये जो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है, इसने क्या करना है, यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेना है, प्रोटॉन ले लेना मीन्स के यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास OH2 बन जाएगा। OH तो ऑलरेडी मौजूद है, एक और H आ गया तो OH2 बन गया, बाकी का स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक लोन पेयर, क्यों, क्योंकि इसका एक लोन पेयर यूज हुआ है बाय अटैचिंग दिस प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से ये जो है अपना बॉन्ड के साथ यहाँ से निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बना, -H2O हो गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, CH रह गया, और यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये अपना ये वाला बॉन्ड लेके यहाँ से निकल गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन ने क्या करना है, अगेन इलेक्ट्रॉन्स लेने, इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेगा,
हमारे पास मीडियम में जिंक मौजूद है, मैं इसी को दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जो Zn मौजूद है वो Zn प्लस टू की फॉर्म में आएगा। दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और पॉजिटिव से चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा CH, और ये CH और यहाँ पर चार्ज किया गया नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो है HCl मौजूद है, अगेन इसने क्या करना है, ये वाला प्रोटॉन देना है, प्रोटॉन ने आके इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करते हुए यहाँ पर बॉन्ड बना लेना है। सी ये यहाँ पर आके अटैच होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था। हमने स्टार्ट में जो जनरल रिएक्शन लिखा था उसमें क्या लिखा था कि हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन गया, अल्केन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है कुछ इसके जनरल रिएक्शंस देख लेने हैं, जिनका मैकेनिज्म सेम क्लेमेंसन रिडक्शन के इस मैकेनिज्म की तरह होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास जो है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, इसकी रिडक्शन करवाएंगे Zn Hg, और यहाँ पर क्या है हमारे पास HCl। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अगेन जैसे एल्डिहाइड की हमने रिडक्शन करवाई, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक चेन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो है रिडक्शन करवाएं डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड O मौजूद है ये यहाँ से ख़त्म होके हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन होगी। इनके मैकेनिज्म भी सेम इसी तरह से होंगे जैसे कि हमने क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म स्टडी किया है।